प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर से देश के किसानों को ऑनलाइन पीएम किसान निधि सम्मान राशि की 8वीं किश्त ट्रांसफर करेंगे। कार्यक्रम सुबह 11 बजे शुरू होगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी वीसी के जरिए कार्यक्रम में मौजूद होंगे। पूरे देश में सबसे ज्यादा यूपी के किसानों को ये सम्मान निधि मिलेगी। यूपी के 2,61,00,000 किसानों के खातों में तकरीबन 5,200 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। इस मौके पर पीएम उन्नाव के एक किसान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद भी करेंगे। तो आज किसान सम्मान निधि की 8वीं किश्त ट्रांसफर होने जा रही है देश भर के किसानों के खातों में, और सबसे ज्यादा फायदा यहां पर यूपी के किसानों को होने जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या में यूपी के ही किसानों के खाते में ये रकम आने वाली है। योजना के तहत 6,000 रुपए प्रतिवर्ष किसान के खाते में जाएंगे। ऑनलाइन राशि की 8वीं किश्त आज ट्रांसफर होने जा रही है। यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही मौजूद रहेंगे कार्यक्रम में। सीएम योगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। सबसे ज्यादा यूपी के किसानों को ये सम्मान निधि मिलने जा रही है। कुल मिलाकर 2,61,00,000 किसानों को 5,200 करोड़ रुपए मिलेंगे। पीएम किसानों को ऑनलाइन राशि की 8वीं किश्त आज ट्रांसफर करेंगे। तो आज सुबह 11 बजे यह कार्यक्रम होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। प्रधानमंत्री मोदी उन्नाव के किसान से संवाद भी करेंगे। अनुभव हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनुभव, 8वीं किश्त है ये किसान सम्मान निधि की, और सबसे ज्यादा फायदा या सबसे बड़ी रकम कह लीजिए कि यूपी के किसानों के खाते आनी है। 2,61,00,000 से ज्यादा किसानों को 5,200 करोड़ रुपए बतौर किश्त ट्रांसफर करेंगे आज प्रधानमंत्री मोदी। और इस बीच खबर यह भी कि यूपी के उन्नाव से भी एक किसान से संवाद करेंगे इस दौरान। देखिए बिल्कुल, और पूरे देश में तकरीबन 9.5 करोड़ किसान होंगे और 19,500 करोड़ से ज़्यादा की जो धनराशि है वो प्रधानमंत्री आज ट्रांसफ़र करेंगे सभी किसानों के खाते में। ये केंद्र सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, और लगातार हमने देखा है कि किसानों के लिए सरकार ने जब भी कोई कदम उठाया है तो इस बात का भी जिक्र ज़रूर किया है कि कैसे सरकार किसानों की आय दुगना करने का उसका जो लक्ष्य है उसमें ये सहायक होगा। और आज की अगर बात करें तो आज भी सबसे ज़्यादा अगर किसान कहीं के लाभान्वित होंगे तो वो उत्तर प्रदेश के किसान हैं। 2,61,00,000 से ज़्यादा यूपी के जो किसान हैं वो आज लाभान्वित होंगे, यानी उनके खाते में ये जो पैसा है ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाएगा जब प्राइम मिनिस्टर इसको ट्रांसफ़र करेंगे। 5,200 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि केवल यूपी के हिस्से में जाएगी, यानी यूपी के किसानों के खाते में जाएगा। अगर हम कहें तो अगर पूरे देश में 19,000 करोड़ है तो तकरीबन 5,200 करोड़ तो वो उत्तर प्रदेश में ही जा रहा है। कहीं ना कहीं किसानों को राहत मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से खेती किसानी में उनको मदद के लिए इस योजना को शुरू किया गया था उसका लाभ किसानों को मिला, और किसानों ने हर बार इस बात को कहा भी है। जब कार्यक्रम 11 बजे शुरू होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जुड़ेंगे, और यूपी के जो कृषि मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही वो भी मौजूद रहेंगे। उन्नाव के किसान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद भी करेंगे, यानी कैसे वो जो किसान हैं उन्नाव के, उन्होंने इस किसान निधि सम्मान राशि का इस्तेमाल किया है, कैसे ये उनके लिए एक बेहतरी लेकर आई है, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। और क्योंकि कोरोना का जिस तरीके से हम कहें विकराल रूप देखने को मिल रहा है, अब शहरों के बाद गाँव में कोरोना का प्रकोप है, तो ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री आज जब बात करें तो इस पर भी कोई चर्चा ज़रूर कर सकते हैं कि कैसे गांव में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को रोकना है। इसके लिए किसानों को आगे आना होगा, कैसे ग्रामीण लोगों को आगे आना होगा, कैसे उन्हें खुद चेक बैलेंस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, निगरानी करनी पड़ेगी, इन सारी चीज़ों पर भी आज प्रधानमंत्री चर्चा ज़रूर कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल। तो आज सुबह 11 बजे कार्यक्रम रखा गया है, जब किसान सम्मान निधि की 8वीं किश्त आज किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर करेंगे पीएम मोदी। बहुत शुक्रिया अनुभव, आप नजर बनाए रखिए। तो पिछले कई दिनों से कोरोना की मार से जूझ रहे यूपी से अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन राहत की खबरें मिलने लगी हैं। 24 घंटों की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में कोरोना के एक बार फिर से 20,000 से नीचे नए मामले सामने आए। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 17,775 नए केस आए, जबकि 19,425 मरीज कोरोना से ठीक हुए। 24 घंटों में कोरोना की वजह से 281 मरीजों की मौत भी हुई।
यूपी में इस वक्त कुल 2,04,658 एक्टिव केसेस हैं, जबकि राजधानी लखनऊ में 24 घंटों में 856 नए केस सामने आए हैं। लखनऊ में 24 घंटे में 2,432 मरीज डिस्चार्ज हुए, जबकि 35 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। लखनऊ में इस वक्त कुल एक्टिव केसेस की संख्या 16,117 है। यूपी में कोविड वैक्सीनेशन के अभियान को तेज करने के लिए योगी सरकार ने ग्लोबल टेंडर जारी किया था, जिस पर विदेशी वैक्सीन कंपनियों के प्रस्ताव आने शुरू हो गए हैं। यूपी सरकार के वैक्सीन निर्यात के टेंडर पर दो कंपनियों ने अपने प्रस्ताव भेजे हैं, जिसमें रूसी वैक्सीन कंपनी स्पुतनिक के अलावा एक और कंपनी शामिल है। यूपी सरकार की ग्लोबल टेंडर की आखिरी तारीख 21 मई है। ऐसे में दो कंपनी के प्रस्ताव आने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही यूपी में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के अलावा नई वैक्सीन भी आ जाएगी। कोरोना संक्रमण के बीच आज पूरे देश में ईद उल फितर यानी कि मीठी ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। एबीपी गंगा की टीम की तरफ से भाईचारे का संदेश देने वाले इस त्यौहार की आप सबको बहुत बहुत बधाई। हालांकि बाकी साल की तुलना में इस साल ईद की रौनक थोड़ी फीकी है। संक्रमण की वजह से धर्मगुरुओं ने लोगों से घरों में रहकर ही ईद मनाने की अपील की है। साथ ही ईद की नमाज भी इस बार ईदगाहों में नहीं पढ़ी जाएगी। तीन तस्वीर आप देख रहे हैं, 2019 से लेकर 2020 और इस साल में ईद की रौनक का अंतर आप साफ समझ सकते हैं। तीनों ही तस्वीरें लखनऊ के ईदगाह की हैं। 2019 की पहली तस्वीर जिसमें ईद की रौनक साफ देखी जा सकती है। दूसरी तस्वीर 2020 की है, जिस दौरान कोरोना महामारी की वजह से ईद की रौनक फीकी हो गई थी। एक बार फिर इस बार कोरोना संक्रमण से जनता बेहाल है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों की वजह से देश के अधिकतर हिस्सों में लॉकडाउन है। संक्रमण के खतरे को देखते हुए धर्मगुरुओं ने घरों में रहकर ईद मनाने की अपील की है और यही वजह है कि इस बार भी लखनऊ के ईदगाह में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा है। एबीपी गंगा भी आप सभी से घरों में ही रहकर इबादत करने की अपील करता है। साथ ही हम सबकी यही कामना है कि इस पावन त्योहार के बाद देश और दुनिया को कोरोना संक्रमण से जल्द छुटकारा मिलेगा, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम फिलहाल अपनों से दूरी बनाकर रखें ताकि हम खुद और अपने चाहने वालों को सुरक्षित रख पाए। आज ईद उल फितर का त्यौहार पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है। मैं ईद उल फितर की दिल्ली की गहराइयों से तमाम लोगों को दिल्ली मुबारकबाद पेश करता हूं। लेकिन उसी के साथ साथ एक बार फिर से यही जोर देता हूं इस बात पर कि जो कि कोविड का मामला पूरे मुल्क में फैला हुआ है, इसलिए कोविड प्रोटोकॉल पर पूरी तरीके से अमल किया जाए। हमारे यहाँ ईदगाह लखनऊ में भी, जहाँ हर साल 5 लाख से ज्यादा का मजमा होता था, इस बार हम लोग सिर्फ 5 लोग ही यहाँ पे नमाज अदा कर रहे हैं। लिहाजा मेरी सबसे यही अपील है कि जो लोग मस्जिद में रहते हैं वही 5 लोग सिर्फ मस्जिदों में ईद की नमाज अदा करें। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं प्रयागराज। हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मोइन, वैसे तो हम तीन तस्वीरें दिखा रहे हैं, साल 2019 से लेकर 2020 और 2021, मतलब कैसे ईद का ये त्योहार, जब तस्वीरें कुछ इस प्रकार हमें मिला करती थी कि ईदगाहों में रौनक होती थी, लोग एक दूसरों के घरों में मिलने जाते थे, ईद मनाते थे, लेकिन कोरोना के कारण इस साल सब फीका फीका सा नजर आ रहा है। कैसे मना रहे हैं लोग सोशल डिस्टेंसिंग वाली ईद? अगर ईद की बात करें तो इस त्योहार के बारे में कहा जाता है कि ये जब भी आता है खुशियों की सौगात लेकर के आता है, और यही वजह है कि लोगों को साल भर इस त्योहार का इंतजार रहता है। लेकिन इस बार के त्योहार पर भी कोरोना की महामारी का साया साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लोगों में ना उत्साह है ना उमंग है, लोग सादगी के साथ त्यौहार मना रहे हैं, कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, मस्जिदों में नमाज नहीं अदा की जा रही है, घर की छतों पर लोग नमाज अदा कर रहे हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के खुल्दाबाद इलाके के एक घर में, जहां आप देख सकते हैं कि जो परिवार के लोग हैं वो नमाज की तैयारियों में जुटे हुए हैं। सिर्फ 5 लोग ही यहाँ पर हैं। अब से कुछ देर बाद यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज अदा की जाएगी, सिर्फ परिवार के लोग रहेंगे, बाहरी कोई शख्स नहीं रहेगा। और आप देख सकते हैं कि जो भी लोग यहां पर हैं सब ने मास्क लगा रखा है, अपने चेहरे को ढक रखा है, सैनिटाइज किया हुआ है हाथों को। तो हम जल्दी जल्दी लोगों की प्रतिक्रिया जान लेते हैं कि बताइए किस तरीके से सादगी के साथ त्यौहार मना रहे हैं इस बार आप लोग, क्या तैयारी है, नमाज कितनी देर में?
देखिए, वैश्विक महामारी कोरोना ने ईद के रंग में जहर घोलने का काम किया। हम लोग अपने घरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 9 बजे नमाज अदा करेंगे और नमाज अदा करने के बाद हम लोग दुआ करेंगे खुदा से कि जिन जिन लोगों ने इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में अपनी जान गंवाई है, अल्लाह पाक उनकी मगफिरत अता फरमाए और इस महामारी की वबा से हम लोगों को निजात दिलाए। आप बताइए कि अभी जब नमाज पढ़ेंगे तो क्या खास दुआ करेंगे, खासकर कोरोना के खात्मे के लिए? देखिए, ये महामारी जो है 1 साल से ज़्यादा हो गया है। पिछली बार भी हम लोग ने जो है इसी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का करते हुए घरों पे नमाज़ अदा की थी और आज हम लोग का भी यही वो है कि ईश्वर से, अल्लाह से हम लोग यही दुआ करेंगे कि हमारे जितने भी जो लोग भाई इसमें मुलव्विस हैं उसको अल्लाह ताला जो है उनको जल्द से। आप आगे आ जाइए, आप बताइए कि नए कपड़े पहनेंगे इस बार या कि नए कपड़े नहीं पहनेंगे? नहीं, ऐसा नहीं, हम लोग बिल्कुल पुराने कपड़े में हम लोगों ने ईद मनाने का फैसला किया, क्योंकि जो हमारे अखराजात हैं हम लोग उनकी कटौती करके गरीबों की मदद किया है। जिसके पास दवा नहीं है उनको हम लोग ने दवा दिलाया है। हम लोग बिल्कुल यतीमों के साथ हैं और उनकी हम लोग मदद कर गए। भले हम पुराने कपड़े में ईद मना रहे हैं, अल्लाह ताला देख रहा है। आप बताइए, लगता है कि आज जो दुआ मांगेंगे वो कबूल होगी और दुनिया को कोरोना की महामारी से निजात मिलेगी? जी बिल्कुल होगी कबूल। बिल्कुल साफ तौर पर समझा जा सकता है कि संगम नगरी प्रयागराज में त्योहार मनाया जरूर जा रहा है लेकिन लोगों के अंदर उत्साह नहीं है, सादगी के साथ त्योहार मनाया जा रहा है। ज्यादातर लोग नए कपड़े भी नहीं पहन रहे हैं, कई घरों में सिवैयां भी नहीं बन रही हैं। तो मतलब जो त्योहार की रस्म अदायगी होती है सिर्फ वही हो रही है, औपचारिकता हो रही है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ घरों पर ही नमाज अदा कर रहे हैं, गले नहीं मिल रहे हैं, एक दूसरे से हाथ नहीं मिला रहे हैं, दूर से ही एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। और खास बात यह है कि आज जो नमाज अदा की जाएगी इस वक्त देश और दुनिया से वक्त की यही मांग है इस वक्त की लोग अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। यही इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत भी है और यही इस वक्त की सबसे बड़ी देश सेवा भी है। लेकिन रमजान के महीने में जकात को फर्ज बताया गया है और अपने आसपास देखें तो इतने लोग जो मुसीबत में हैं, जरूरतमंद हैं या लोगों के घरों तक खाना पहुंचाने जैसी बात है, तो इन लोगों से पूछिए जरा कि इन्होंने किस तरह अपनी जकात अदा की है और क्या उन्होंने भी उन लोगों की मदद की है जो कोरोना काल में मुश्किल में है, अपने घरों में है, जिनको खाने पीने की समस्याएं आ रही हैं, दवाइयों की समस्याएं आ रही हैं। तो ये भी एक मौका है कि आगे बढ़कर आए, अपना सेवा भाव दिखाएं। जी बिल्कुल, रमजान में हर साल ज़कात निकालने का एक नियम है, एक परंपरा है और इस बार ज्यादातर लोगों ने नए कपड़े इसलिए नहीं बनवाए क्योंकि उन्होंने पूरे रमजान भर लोगों की मदद की है, उन लोगों की मदद की है कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, जिनका रोजगार ठप है, जिनके यहाँ खाने पीने की समस्या थी। तो यहाँ जो लोग मौजूद हैं हम उनसे बात करते हैं। बताइए, नए कपड़े आपने नहीं पहने, जश्न नहीं हुए, पैसे बचे, किस तरह से इस पैसे का आपने उपयोग किया था रमजान के महीने में? कि दुनिया का हर मजहब और हर धर्म ये कहता है कि पहले अपने घर के बगल में या जो गरीब कुनबे लोग हैं उनकी मदद करिए, तब अपने घर में आप त्यौहार मनाइए। वैश्विक महामारी से पूरा देश लड़ रहा है तो हम लोग उनकी मदद करेंगे। जो ज़कात का पैसा हमारे यहाँ निकाला गया उससे हम लोगों ने लोगों के लिए दवाइयाँ खरीदी, ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर मुहैया कराएँ और ज़रूरत के सामान उनको दिलाने का काम किया। कपड़ा हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी उनको ज़िंदगी देना और जीवन रक्षक दवाएँ देना ज़रूरी है। बहुत नेक काम आप लोगों ने किया है, सराहना होनी चाहिए आप लोगों की इस पहल की। बताइए किस तरीके से मदद की आप लोगों ने और आगे क्या कुछ करने का इरादा है? देखिए, हम लोग जितना हो सकता है गरीबों के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी चीज़ें हैं, दवाएं हैं और गैस सिलेंडर है, ये सब हम लोग जो है तो उनको मुहैया करा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये कोशिश कर रहे हैं कि जो बहुत ही अंदर ही अंदर गरीब लोग हैं उनके उनके तक पहुंचने की कोशिश। आज भी लोगों की मदद करेंगे, ज़रूरतमंदों तक खाना पहुंचाएंगे इस खास मौके पर? बेशक, ईद के मौके पर तो हम लोगों ने किया ही है। पूरा रमज़ान हम लोगों ने अपने ज़कात का पैसा अपने घर के गल्ला या कपड़े का कटौती करके हम लोगों ने गरीबों की। बिल्कुल, तो मोइन आपने बताया कि किस तरह से लोगों ने इस बार नए कपड़े नहीं बनाए हैं और जो जकात का पैसा निकाला है उसको वो अपने सेवा भाव से जरूरतमंदों की मदद के लिए खर्च करने के लिए आएंगे। थोड़ी देर में नमाज पढ़ेंगे और ये कोरोना महामारी जल्द से जल्द हमारे बीच से चली जाए ऐसी दुआ मांगी जाएगी। आज उत्तराखंड में यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। अभिजीत मुहूर्त कर्क लग्न के तहत 12:15 पर अगले ग्रीष्म काल के 6 महीने की अवधि के लिए कपाट खुल जाएंगे। कपाट खुलने से पहले मां यमुना की उत्सव भोग मूर्ति और डोली सुबह अपने भाई शनिदेव की अगुवाई में 9:15 में मायके खरशाली एवं यमुनोत्री के लिए रवाना होगी। अगले दिन उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर 15 मई
सुबह 7:31 पर माँ गंगा के कपाट खुलेंगे। कोरोना काल के चलते धाम में किसी भी श्रद्धालु को आने की अनुमति नहीं है। मात्र 21 लोगों को गंगा के उत्सव डोली में साथ चलने की अनुमति मिली है, तो वहीं तीर्थ पुरोहितों और 5 मंदिर समिति ने 21 लोगों को माँ गंगा की डोली के साथ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चलने का फैसला लिया है। और अब 3 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की। 3 तस्वीरें 2019, 2020 और 2021 से जुड़ी हुई हैं, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे कोरोना ने हमारी हर छोटी बड़ी खुशी से लेकर आस्था पर असर डाला है। साल 2019 में जब यमुनोत्री धाम के कपाट खोले गए थे तो वहां पर रौनक थी, आस्था का सैलाब था, पूरे देश से लोग यमुनोत्री धाम पहुंचे थे। दूसरी तस्वीर 2020 की है, जब कोरोना ने भारत के साथ साथ पूरे देश पर अपना कहर ढाना शुरू कर दिया था। और इस साल जब यमुनोत्री धाम के कपाट खोले गए तब सीमित संख्या में ही लोगों को वहां जाने की इजाजत थी। संक्रमण न फैले इसके लिए सरकार ने भक्तों को सीमित संख्या में वहां पहुंचने की इजाजत दी। कई श्रद्धालु कोरोना की वजह से इसका हिस्सा नहीं बन सके और अब 2021 में भारत कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है। ऐसे में सरकार ने श्रद्धालुओं को दर्शन की इजाजत नहीं दी है। यहां पूरी तरह से सन्नाटा रहेगा। कोरोना की दूसरी लहर के चलते डोली यात्रा के साथ महज 25 लोग ही यमुनोत्री धाम कपाट खुलने में शामिल हो पाएंगे, जिसमें मां यमुना के पुजारी और अन्य सहयोगी ही शामिल होंगे। लगातार दूसरे साल ऐसा होगा जब कपाट खुलने के वक्त श्रद्धालु मौजूद नहीं रह पाएंगे। यूपी में नदियों में लाशों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। ताजा मामला अब कानपुर से सामने आया है। 25 किलोमीटर दूर खेरेश्वर मंदिर के पीछे गंगा नदी में सुबह 2 दर्जन से ज्यादा लाशें गंगा में बहती हुई दिखाई दी। लाशों को देखने के बाद स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन की मदद से इन लाशों को निकालकर गंगा के किनारे दफना दिया। आगे बढ़ते हैं। 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कानपुर और उन्नाव के साथ साथ कुछ और जिलों में नदी किनारे शवों के मिलने का सिलसिला जारी है। चंदौली में धानापुर क्षेत्र के बड़ौरा गांव में गंगा नदी के किनारे शव मिलने की सूचना लेखपाल को दी गई, जिसके बाद लेखपाल ने इसकी सूचना आला अधिकारियों तक पहुंचाई और उन्हें शव को गंगा नदी के किनारे दफन करने की तैयारी शुरू कर दी। जबकि सीएम योगी ने साफ साफ आदेश दिया है कि हर शव का अंतिम संस्कार धार्मिक रीति रिवाजों के मुताबिक होगा। बावजूद इसके अधिकारी शासन के आदेश को दरकिनार करके मामले को रफा दफा करने में लग गए हैं। बात बरेली की करें तो रामगंगा नदी में 2 शव तैरते दिखे, दोनों कफन में लिपटे हुए थे, इन्हें जानवर नोच रहे थे। हालांकि पुलिस ने यहां दोनों शवों को निकालकर उनका अंतिम संस्कार कराया। एसएसपी रोहित सिंह की माने तो दोनों शव 12 से 14 दिन पुराने हैं और पूछताछ में जानकारी सामने आई है कि कुछ लोगों ने शव को गंगा नदी में प्रवाहित किया था।